व्हाट इज़ गोइंग ऑन गाइज, स्वागत है आपका इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज़ के 16th वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन में एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले उनका कंपनी का लोगो या तो कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें या तो लोडिंग स्क्रीन आता है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले सीधा एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होता, कुछ लोडिंग स्क्रीन आता है 2-3 सेकंड का, उसके बाद एप्लीकेशन रन होता है। तो उस तरह हम बनाएंगे हमारे ऐप को कि कुछ आ जाए लोगो, उसके बाद 2-3 सेकंड बाद अपने आप एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा बनाना सीखेंगे इस वीडियो में हम। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक इमेज बनाया है जो मेरा लोडिंग स्क्रीन पर आएगा ये। तो उसको हम सबसे पहले तो ड्रॉएबल फोल्डर में कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ये ड्रॉएबल फोल्डर जो है रिसोर्सेस में उसमें पेस्ट करूँगा। तो ये बैकग्राउंड के नाम से यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा इमेज है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वो लोडिंग स्क्रीन जो है वो भी एक एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हमको एक नया एक्टिविटी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्क्रीन पे कुछ भी दिखता है तो वो एक्टिविटी है। हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर और ये एक्टिविटी है, ये और ये। अभी हम एक और एक्टिविटी बनाएंगे जो हमारा लोडिंग स्क्रीन दिखाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ एक्टिविटी कैसे बनाना है। तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी। तो इसका नाम देते हैं लोडिंग स्क्रीन कुछ तो एक्टिविटी। तो लेआउट फाइल भी जनरेट करेगा ये अपने आप। तो बाकी सबको हम अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा लेआउट है लोडिंग स्क्रीन का। ऐसा कुछ एरर आया तो आप बिल्ड रिबिल्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लेआउट फाइल है और ये जावा फाइल है। एक्टिविटी दो फाइल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लेआउट को कांस्टेंट लेआउट से रिलेटिव लेआउट करते हैं। हम लीनियर लेआउट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी रिलेटिव लेआउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इमेज डालने के बाद हम बीच पे एक प्रोग्रेस बार भी डालेंगे, इसके लिए मैं रिलेटिव लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी ये बैकग्राउंड को हम यहाँ पे बैकग्राउंड डालने के लिए रिलेटिव लेआउट टैग में जाएंगे, एंड्रॉयड बैकग्राउंड। तो हमारा जो बैकग्राउंड ड्रॉएबल फोल्डर में था बैकग्राउंड नाम से था, तो ये वाला ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्रेस बार डालना चाहेंगे, तो प्रोग्रेस बार यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, अभी के लिए इजी पड़ेगा। इस तरह ये प्रोग्रेस बार भी आ गया। और हम क्या करेंगे, ये ऊपर जो एक्शन बार है, इजी ट्यूटोरियल नाम भी है, इसको हटाएंगे, ये थोड़ा सा ऑड दिखता है। तो इसको हटाने के लिए हम सबसे पहले वैल्यूज़ में जाएंगे, स्टाइल्स में, जो ये ऐप थीम है, डार्क एक्शन बार, इसको नो एक्शन बार कर देंगे ताकि वो एक्शन बार हट जाए। अभी हट गया, अभी अच्छा दिख रहा है। तो ये तो हो गया स्प्लैश स्क्रीन, जो लोडिंग स्क्रीन है हमारा, ये ऐसे दिखेगा। लेकिन सबसे पहले ये चलना चाहिए, एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ये चलना चाहिए, मतलब इसको हम लॉन्चर एक्टिविटी सेट करेंगे। वो भी मैंने सिखाया है कि लॉन्चर एक्टिविटी कैसे सेट करेंगे कोई भी एक्टिविटी को। तो उसके लिए मैनिफेस्ट में जाएंगे, जो इंटेंट फिल्टर करके टैग है उसको कट करेंगे और जो एक्टिविटी पे हम लॉन्चर एक्टिविटी सेट करना है वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अभी हम लोडिंग स्क्रीन पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हमारा नया एक्टिविटी जो है लोडिंग स्क्रीन एक्टिविटी, ये लॉन्चर एक्टिविटी हो गया। एप्लीकेशन चलाने से पहले ये खुलेगा, लेकिन अभी इसके बाद हमारा एप्लीकेशन रन होना चाहिए, मतलब कैलकुलेटर एक्टिविटी खुलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जावा में जाएंगे। जावा फाइल में एक हम क्या चाहते हैं कि लोडिंग स्क्रीन 2-3 सेकंड 4 सेकंड के लिए लोड हो जाए, फिर अपने आप वो दूसरा एक्टिविटी कॉल करे। तो ये टाइमर लगाने के लिए हमको एंड्रॉयड ने एक मेथड दिया है, क्लास दिया है, जो क्लास का नाम है हैंडलर। सो हैंडलर से हम टाइमर सेट कर सकते हैं, कितने सेकंड बाद क्या काम करवाना है। तो उसके लिए हम हैंडलर क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हैंडलर,
न्यू हैंडलर, इस पे हम टाइमर डालेंगे, तो टाइमर डालने के लिए हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड करके मेथड है, वो दो आर्गुमेंट लेता है, एक रनेबल एक टाइम जो मिली सेकेंड में रहेगा। तो रनेबल के लिए मैं न्यू रनेबल करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पे हम क्लिक करेंगे रनेबल पे, तो एक रन मेथड करके ओपन होगा। ये हमारा एक आर्गुमेंट है यहाँ तक, और दूसरा आर्गुमेंट क्या था कि हम टाइमर डालेंगे, तो यहाँ पे कॉमा देके कितने सेकंड के लिए, अगर 3 सेकंड के लिए कर रहे हैं तो 3000 मिली सेकेंड है इसके लिए 3000, और यहाँ पे सेमी कोलन डाल देंगे। उसके बाद अभी ये हुआ इसमें कि जब लोडिंग स्क्रीन स्क्रीन आएगा, लोडिंग स्क्रीन आएगा तभी क्या होगा, 3 सेकंड तक लोडिंग स्क्रीन चलेगा और रन मेथड कॉल करेगा, कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद ये मेथड कॉल करेगा। तो हम ये मेथड के अंदर क्या डालेंगे कि नया एक्टिविटी खुल जाए, तो रन मेथड के अंदर हम नया एक्टिविटी वो करने के लिए हमको ज़रूरी होता है इंटेंट, तो इंटेंट ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दो एक्टिविटी स्टार्ट करने का मेथड भी सिखाया है कि कैसे स्टार्ट करना है। इंटेंट पे पास करना है दो आर्गुमेंट, जिसमें एक आर्गुमेंट रहेगा जो एक्टिविटी रन हो रहा है और दूसरा आर्गुमेंट जो एक्टिविटी रन करना है। तो हमको अभी कैलकुलेटर एक्टिविटी रन करना है क्लास, और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो इस तरह अभी हमारा सबसे पहले लोडिंग स्क्रीन रन होगा, उसके बाद 3 सेकंड तक वो चलेगा, 3 सेकंड होने के बाद अपने आप नया एक्टिविटी रन होगा, वो एक्टिविटी है कैलकुलेटर एक्टिविटी। तो हम एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। तो हम जब ऐप को रन करते हैं, मैं अपने फ़ोन पे रन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमारा लोडिंग स्क्रीन ओपन होना चाहिए, उसके 3 सेकंड बाद नया एक्टिविटी ओपन होना चाहिए। तो इस तरह हमारा एक्टिविटी रन हो गया, ये लोडिंग एक्टिविटी है, 3 सेकंड बाद कैलकुलेटर एक्टिविटी। इस तरह हम कर सकते हैं। और एक बात इसमें ये है कि हम जब एप्लीकेशन को बैक करेंगे तो वापस वो स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने स्प्लैश स्क्रीन जो लोडिंग स्क्रीन है उसको हमने फिनिश नहीं किया है, तो इसलिए ये रन हो रहा है। कि हम नहीं चाहते कि एप्लीकेशन होने के बाद, बैक करने के बाद फिर से लोडिंग स्क्रीन आ जाए, हम चाहते कि उसका एंड हो जाए, वो एक्टिविटी वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम स्टार्ट एक्टिविटी होने के बाद जो हमारा लोडिंग एक्टिविटी है उसको फिनिश कर देंगे, ताकि हम बैक करने के बाद भी, बैक करने के बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, ना कि वो ये लोडिंग स्क्रीन वापस आ जाए। जब हम बैक करते तो एप्लीकेशन क्लोज हो गया। इस तरह हम स्प्लैश स्क्रीन या तो लोडिंग स्क्रीन हमारे एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है। पहले एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, उसको लॉन्चर एक्टिविटी बनाएंगे, उसके बाद हैंडलर टाइमर डाल के नया एक्टिविटी रन कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।